बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़म अली और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम बेंचमार्क की मदद से रिड्यूस लेवल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ऑटो लेवल और लेवलिंग स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए। तो वैसे तो ये वीडियो बेसिक वीडियो है, यानी कि बिगनर्स के लिए ही समझ लें, कोई इतनी पेचीदा किस्म की वीडियो तो नहीं है, लेकिन फिर भी सर्वे में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले मिसाल के तौर पर ये हमारे पास बेंचमार्क है, बेंचमार्क आर एल है 710 फीट, हमारे पास है ऑटो लेवल लेवलिंग स्टाफ। मैं अगर ये हमारा सवाल है या हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि ये कोई दूसरा पॉइंट है इसका आर एल मालूम करके बताएं, ये कोई इसके अलावा एक और पॉइंट है इसका आर एल मालूम करके बताएं, या और दीगर कोई भी पॉइंट उनका आर एल आपने मालूम करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑटो लेवल को किसी भी ऐसी जगह पे सेट कर लें जहां से आपको बेंचमार्क इजीली नजर आ रहा हो। बेंचमार्क के ऊपर आपने लेवलिंग स्टाफ रखना है। लेवलिंग स्टाफ रखने के बाद आपने उस रीडिंग जो है स्टाफ रीडिंग वो आपने नोट कर लेनी है। मिसाल के तौर पर ये रीडिंग हमारी आ जाती है 5.107 फीट, फुटों में मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले आपने फार्मूला लगाना है एच ओ आई, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फार्मूला। तो एच ओ I is equal to reduce level plus back side. Back side का मतलब स्टाफ रीडिंग, जो बेंचमार्क सबसे पहले जो रीडिंग पढ़ी जाती है ऑटो लेवल को सेट करने के बाद उसको हम बैक साइड कहते हैं। तो ये वाली रीडिंग जो है, इस रीडिंग को आपने इसी जगह के आरएल, यानी कि इस जगह का आरएल पता था, उसी जगह पे स्टाफ रखा तो रीडिंग पढ़ी, तो इसी जगह के आरएल में यानी कि 710 में उसी जगह पे स्टाफ रखने के बाद जो रीडिंग आई थी 5.107, इसको आपने ऐड करना है। तो आपके पास आंसर आ गया 715.107 फीट। ये हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई। अब आपने क्या करना है, जो लेवलिंग स्टाफ है उसको उठाया और जाके रखा मतलूबा जगह पर, जिस जगह का लेवल आप मालूम करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, इसको साइट किया स्टाफ रीडिंग नोट की। मिसाल के तौर पर वो रीडिंग आ जाती है 3.094 फीट, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने फार्मूला लगाना है, क्योंकि हम इस जगह का रिड्यूस लेवल मालूम करना चाहते हैं ना, तो हम फार्मूला भी रिड्यूस लेवल का लगाएंगे। तो रिड्यूस लेवल का फार्मूला होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटर साइड, आप इसको कह सकते हैं, फोर साइड कह सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं इसको फोर साइड का नाम दे रहा हूं। तो आपने क्या किया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो अभी अभी आपने निकाली थी 715.107 माइनस रीडिंग अभी अभी आपने पढ़ी 3.094। तो हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने 715.107 माइनस 3.094, ये आंसर आ गया हमारा 712.013 फिट। ये हमारे पास इस जगह का आर एल आ गया। इसी तरह अगर आप इस पॉइंट का आर एल निकालना चाहते हैं, तो यहां पर स्टाफ रखेंगे, स्टाफ रीडिंग नोट करेंगे, उस रीडिंग को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से माइनस करेंगे, तो इस जगह का आर एल आपके पास आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम एक दिए गए बेंचमार्क की मदद से किसी भी दूसरे या नए पॉइंट्स के आर एल जो है वो हम मालूम कर सकते हैं।